वैसे तो स्वच्छता का जीवन में बहुत महत्व है, परंतु जब हम अपनी शांति के लिए धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वहां सफाई ना हो मन को बहुत दुख होता है। धार्मिक स्थल साफ सुथरा होना प्रबंधक कमेटी का कर्तव्य नहीं बल्कि लोगों का भी इसमें विशेष योगदान होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान के तहत सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा शहर की विभिन्न धार्मिक संस्थाओं, मंदिर प्रबंधक कमेटियों, सोसाइटियों व शहरवासियों के सहयोग से मंदिर में सफाई अभियान चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता संत समाज की ओर से महामंडलेश्वर 1008 महंत गंगादास, महंत बाबा राजकिशोर, आचार्य अम्बरीश शास्त्री ने की। इस मौके पर आए हुए भक्तों ने मंदिर की पूरी परिक्रमा को साफ सुथरा कर वातावरण को स्वच्छ बनाने का संदेश दिया। इस मौके पर मंदिर में शुरू किए गए सफाई अभियान में विशेष रूप से जलंधर के मेयर सुनील ज्योति भी शामिल हुए। इस अवसर पर श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एवं दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, महासचिव राजेश विज, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, उप प्रधान डॉक्टर राजेश चोपड़ा, सीएवीएम अरोड़ा, विनय जलंधरी, सोमदत्त कालिया, संजय कोचर, सुनील सहगल, भूषण कोहली, ललित शर्मा लक्की, राकेश कुमार सोनू, करण शर्मा, दुष्यंत गोयल, वरुण शर्मा, रॉबिन महाजन, चौधरी रामकुमार, गौरव अनेजा, राजेश भोला, राजीव भसीन, पवन मेहता, अरुण मिश्रा, अभिषेक सेठ, महेंद्र प्रभाकर, सीमा गल्होत्रा, डॉली हांडा, क्षमा सेतिया, प्रेमलता और अंजू सहित असंख्य भक्तजन मौजूद थे। सफाई में खुदाई है, शुरू से ही महापुरुषा ने, संता ने सफाई पर जोर दिया है। जहाँ है साफ वहाँ है आप, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर सफाई होती है वहाँ सभी देवी देवता परमात्मा आकर्षित होते हैं। गांधी जी ने भी यही बात शुरू किया था सफाई के लिए, और उस बात को आज मोदी जी ने बड़े ही जोर शोर से शुरू किया। जो काम उन्होंने शुरू किया है, अगर सरकार इसके लिए पास करती, संस्था बनाती, अरबों खरबों रुपया लगता, लेकिन वो सफाई नहीं होती। लेकिन उन्होंने आप आकर के झाड़ू पकड़ के जो सफाई शुरू किया, और आज सारे भारत में सफाई हो रही है। अमीर है, गरीब है, संत है, महात्मा है, ब्राह्मण है, सब सफाई कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे जलंधर श्री देवी तालाब शक्तिपीठ में रोज की सफाई होती है, लेकिन आज विशेष करके उसी कड़ी में सफाई का अभियान शुरू हुआ, जो सभी गणमान्य हमारे मेयर साहब, हमारे शीतल वीर जी और हमारे महामंत्री जी, सभी सेवादार, हमारे कालिया जी, हमारे अमरीश जी तिवारी, सभी इकट्ठे होकर के जलंधरी जी, और आज यहाँ मंदिर के सभी पदाधिकारीगण, शहर के गणमान आज शुरू किए श्री देवी तालाब में सफाई अभियान, जिसका देख करके ही बड़ी प्रसन्नता हुई है कि इसी तरह सारे देश में सफाई हो जाए तो जय जयकार हो जाए। इसलिए मैं इतना ही कहता हुआ, हमारे कोली साहब जो रात दिन सेवा में लगे रहते हैं, शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर, जिसमें राज राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर मालिनी विराजमान है, आदि शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती विराजमान है, उनके दरबार में आज सफाई का अभियान जलंधर के गणमान्य नागरिकों ने किया, जिसमें महामंडलेश्वर श्री गंगादास जी महाराज जी की अध्यक्षता में हुआ। और ऐसा है, सफाई तो हर हमेशा ही होनी चाहिए। जब बाहर की सफाई होगी तब हमारी अंदर की भी सफाई होगी, इसलिए सफाई
जरूर होनी चाहिए। जो मोदी जी ने ये अभियान चालू किया है, इसमें पूरे शहरवासी अपने तरह से अपनी जगहों को, अपने स्थानों को स्वच्छ रखेंगे तो पूरा जलंधर शहर स्वच्छ हो जाएगा। यही मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। अज संग्रांद के महीने उत्ते सारे शहर वासियों को, पंजाब वासियों को श्री देवी तलाब मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों लख लख बधाई होवे। मैं सारे शहर वासियों को दसना चाहना, अज सारे शहर ने रल के संतां की अगुवाई दे विच एक छोटा जी कार सेवा ते परिक्रमा असी धोती है और अपना सारे श्रद्धालुओं सानू बहुत सहयोग मिलिया। हर थान तो, हर महल के लेडीज़ और जेंट्स और बच्चे आए हैं। असी सारे शहर वासियों का लख लख धन्यवाद करते हैं। और मैं अपने वालों, प्रधान शीतल बिंद जी वालों, डॉक्टर राजेश चोपड़ा जी वालों, VM अरोड़ा जी वालों, परविंदर बैल जी वालों, सारे जिन्होंने इतने आ के महामारी की सेवा की है, मैं उन्होंने धन्यवाद करता। और जिन्हें भी इतने साडे भैन आई हैं, भरा आए हैं, बच्चे आए हैं, उन्होंने लख लख धन्यवाद जिन्होंने इन्नी मंदिर की आस्था के चार चांद लाए हैं। जय माता दी।